hello everyone how are you i hope you will be fine here now student today i'm going to explain you in english marigold class 4 the giving tree unit 8 for my dear student this is very interesting story i hope you will enjoy okay then let's start the story the giving tree beta as you know tree gives us a lot of things okay like medicines furniture, oxygen okay and uh, that's why we survive on earth okay without tree life is impossible on earth okay then in this story

बॉय को भी अच्छा लगता था ट्री से बातें करना और ट्री को भी अच्छा लगता था तो so तो so वो बातें करते करते फ्रेंड्स बन गए नाउ ट्री कम हियर माई बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक तो ट्री क्या कहता है बॉय से कम हियर माई बॉय मेरे बच्चे इधर आओ कम एंड क्लाइंब माई ट्रंक ट्रंक मीन्स होता है मेरे तने पर चढ़ चढ़ जाओ एंड स्विंग माई फ्रॉम माई ब्रांचेस और जो मेरी शाखाएं हैं टहनियां होती हैं ना ट्री की उस पर झूलो अब बॉय बहुत अच्छा लगता था है ना तो बॉय क्या करता था स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ब्रांचेस में शाखाएं उनकी टहनियों पर झूलते हुए बहुत मज़े करता था आहा हा वॉट फन मज़ा आ गया ट्री आर यू हंग्री हंग्री ट्री कहता है क्या तुम भूखे हो क्या आपको भूख लग रही है ईट माई एप्पल्स अब इफ यू आर हंग्री तो देन ईट माई एप्पल्स मेरे जितने भी ट्रीज पर एप्पल्स लगे हैं वो खा लो बॉय ईटिंग एप्पल्स एप्पल खाते हुए हाउ डिलीशियस मीन्स कितना टेस्टी है नाउ नरेटर वेन द बॉय वॉज टायर्ड जब बॉय थक जाता था ही स्लैप्ड अंडर द ट्री तो देन वह ट्री के नीचे सो जाता था द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड अब ट्री को बहुत खुश होता था जब वो उसकी छाया में सोता था बट टाइम वेंट पास टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया एंड द बॉय ग्रो ओल्डर एंड वेंट अवे अब जो बॉय था वो वो भी बड़ा हो गया जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे बोल्ड बॉय भी बढ़ता गया नाउ ही ग्रो अप

कुछ साल बाद एक दिन बॉय उस ट्री के पास फिर से आया एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी और ट्री तो बहुत खुश हो गया उसको देख के ट्री बोला कम माई बॉय कम आओ मेरे बच्चे आओ एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक मेरी तने पर चढ़ जाओ एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस और मेरी टहनियों पर झूलो कैसे कहा वेन द बॉय लिटिल बॉय है ना लिटिल किड्स जब बच्चा छोटा था तो वो इसी तरह बोलता था है ना जब बॉय छोटा था अब बड़ा हो गया है तो फिर वो इसी तरह से बोलना तो अब वो बॉय जो था वो पहचान गया बॉय सेट बॉय ने कहा आई एम टू बीक टू क्लाइम मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ क्लाइम एंड प्ले अब तो मैं चढ़ सकता हूँ मैं खेल सकता हूँ आपके पास आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स अब मैं चीजों को खरीद भी सकता हूँ एंड आई फैन है मैं बहुत मजे भी कर सकता हूँ आई वॉन्ट सम मनी मुझे कुछ मनी चाहिए कैन यू गिव मी सम मनी अब बॉय ट्री से कहता है क्या तुम तो मेरी मुझे मनी दे सकते हो नाओ नाओ ट्री सेट आई एम सॉरी आई एम सॉरी बॉय माय फ्रेंड उसने कहा सॉरी आई हैव नो मनी मेरे पास तो मनी नहीं है बट आई हैव ओनली लीव्स मेरे पास कुछ पत्तियां हैं एंड एप्पल्स और कुछ एप्पल्स हैं यू कैन प्लक माय एप्पल्स एंड सेल देम इनटू द मार्केट तुम मेरे ये एप्पल्स तोड़ लो और उनको मार्केट में बेच दो देन यू विल हैव मनी तो तुमको मनी मिल जाएगी सेट द बॉय है एपल्स बॉय ने खुशी खुशी सारे एप्पल्स तोड़ लिए एंड कैरी डैम अवे और उनको कहा ले गया मार्केट में ओके नाउ ट्री वॉज वेरी हैप्पी अब ट्री को बहुत खुशी हुई क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड की हेल्प की बट द बॉय स्टे अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम लेकिन जो बॉय था वो फिर बहुत दिन के लिए रुक गया सेट अब ट्री फिर फिर अकेला हो गया उसने क्या कहा बहुत दुखी हो गया ट्री वन डे द बॉय बैक एक दिन वो जो बॉय था वो फिर से आया एंड ट्री शॉक विथ जॉय और जब ट्री ने उसको अचानक देखा तो वो बहुत खुशी खुश हुआ ट्री कम बॉय कम क्लाइंग अप माई ट्रांस स्विंग माई फ्रॉम माई ब्रांचेस ईट माई एपल्स प्ले इन देड एंड बी पर चढ़ो मेरी टहनियों पर झूलो मेरे एप्पल्स खाओ और मेरी शेड में आ, सो जाओ और खेलो और सो जाओ एंड खुश हो जाओ ना बॉय साइड आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज वो कह रहा है कि मैं तो climb ट्रीज़ पे चढ़ने के लिए मैं बहुत बिजी हूँ आई एम गेटिंग मैरिड अब मेरी शादी हो रही है एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन अब मुझे एक हाउस की ज़रूरत है मेरी वाइफ के लिए और मेरे चिल्ड्रन के लिए बिकॉज ही वॉज गेटिंग मैरिड ओके कैन यू गिव मी हाउस क्या तुम तो मुझे एक हाउस दे सकते हो ट्री सेट आई हैव नो हाउस मेरे पास तो हाउस नहीं है क्योंकि ट्री के पास तो हाउस था नहीं बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बोल्ड अ हाउस तुम ये मेरी ब्रांचेस टहनियाँ काट लो और इस लकड़ी से अपना हाउस बना लो नाउ नरेटा सेड सो द बॉय कट ऑफ द ट्री ब्रांचेज इसलिए बॉय ने ट्री की सारी टहनियाँ काट ली और उनको हाउस बनाने के लिए ले गया नाउ द ट्री वॉज वेरी हैप्पी अगेन अब ट्री जो था फिर से खुश हो गया क्योंकि उसने बॉय की दोबारा से हेल्प की है ना बट द बॉय स्टे अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन बट जो लड़का था ना जो उसका फ्रेंड था अब वो फिर एक लंबे टाइम तक रुक गया वो अब ट्री के पास नहीं आया मिलने और ट्री जो है दोबारा से वो सैड हो गया ओके नाउ एंड वेन हिज कम बैक आफ्टर सम ईयर्स फिर वो कुछ दिन दिनों बाद फिर आया द ट्री वॉज सो हैपी ट्री इतना खुश हुआ दैट ही कॉड हार्डली स्पीक कि वो बहुत ही कुछ बोल सका था नाओ द बॉय वॉज अ यंग मैन अब ट्री ने उसको बॉय को देखा अब वो एक यंग मैन बन चुका था ट्री कम बॉय कम वॉट कैन आई डू फॉर यू ट्री सेट ट्री ने कहा आओ मेरे बच्चे आओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ यंग मैन सेट आई एम गोइंग ऑन माई बिजनेस ट्रिप मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ आई वॉन्ट टू बोट टू टेक मी अवे मुझे एक बोट चाहिए जिससे कि मैं अपने बिजनेस के लिए चले जाऊँ कैन यू गिव मी a बोट क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो ट्री सेट ऑल आई है लेफ्ट इज अ ट्रंक अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं मेरे पास सिर्फ ये ट्रंक बचा है ट्रंक मीन्स तना है ना स्टाम नाउ कट डाउन माई ट्रंक एंड अ बोट और मेरा ये तना काट लो और बोट बना लो देन यू कैन सेल अवे ये तुम्हें ले जाएंगे नाउ न रेटा साइड द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट अब यंग मैन ने उस ट्री का ट्रंक काट लिया और बोट बनाकर वो चल दिया नाउ ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्ट अब जो ट्री था वो किसके लिए बचा था सिर्फ ट्री पर क्या बचा था स्टाम्प स्टाम्प होता है जो रूट्स लीव सूखी पत्तियां होती हैं सिर्फ वही सॉइल के साथ ओके नाउ एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन दोबारा से बहुत समय कुछ समय बाद एक जो यंग मैन था वो दोबारा से वापस आया नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन उसने क्या किया बट अब जब वो वापस आया तो वो एक ओल्ड मैन हो चुका था है ना उसकी एज काफ़ी हो गई थी तो वो ओल्ड मैन हो गया था बट द ट्री रिकॉगनाइजिंग लेकिन जो उसका ट्री था फ्रेंड्स वो उसने उसको तब भी पहचान लिया ट्री आई एम सॉरी फ्रेंड ट्री से ट्री ने कहा सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है माई एप्पल्स आर गॉन मेरे एप्पल्स चले गए हैं खत्म हो गए हैं ओल्ड मैन ने कहा माई तीट आर टू वीक फॉर द एप्पल्स ओल्ड मैन ने बोला कि जो मेरे तीत हैं वो भी एप्पल्स के लिए बहुत कमज़ोर हो गए हैं अब मैं एप्पल नहीं खा सकता हूँ ट्री ने कहा माई ब्रांचेज आर गॉन मेरी जो ब्रांचेज हैं वो भी चली गई हैं यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम अब तो तुम उस पर झूल भी नहीं सकते क्योंकि मेरे पास टहनियाँ नहीं है ओल्ड मैन सेड आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज आई एम मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं ब्रांचेस पे नहीं झूल सकता नाव ट्री सैट ट्री ने कहा माई ट्रंक इज ग नहीं है यू कैन नॉट क्लाइम अब तो तुम मेरे पास चढ़ भी नहीं सकते हो नाव ओल्ड मैन सेट ओल्ड मैन ने कहा आई एम टू टायर टू क्लाइम अब मैं बहुत थक चुका हूँ मैं ट्रीज पर नहीं चढ़ पाऊंगा नाओ ट्री सेट आई एम सॉरी ट्री उसकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे बहुत दुख है आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें अब भी कुछ देना चाहता हूँ बट आई हैव नथिंग लेफ्ट मेरे पास कुछ नहीं बचा आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टाम्प आई एम सॉरी उसने कहा कि मेरे पास ये बूढ़ा सा स्टम्प बचा है और मुझे दुख है ओल्ड मैन ने कहा डियर ट्री मेरे प्यारे फ्रेंड यू हैव जस्ट ऑलवेज गिवन मी तुमने मुझे फोल द लाइफ बहुत कुछ दिया है बट नाउ आई डोंट नीड मच अब मुझे जरूरत नहीं है अब मुझे किस चीज़ की जरूरत है जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट अब मैं किसी एक शांत जगह पर बैठना चाहता हूँ और रेस्ट करना चाहता हूँ नाउ ट्री सेड हैप्पीली ट्री ने खुशी खुशी कहा वहल well. बहुत अच्छी बात है एन ओल्ड स्टम्प इज गॉड फॉर सीटिंग एंड रेस्ट जो स्टंप होता है बहुत पुराना वो बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है कम माई फ्रेंड आ जाओ मेरी फ्रेंड सिट डाउन बैठ जाओ एंड रेस्ट और आराम करो नाउ नरेटा सेड द ओल्ड मैन डेड ओल्ड मैन ऐसे ही किया नाउ द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी और ट्री बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने एट लास्ट मोमेंट पर भी ओल्ड मैन की फ्रेंड की हेल्प की ओके नाउ द ओल्ड मैन एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी तो है ना बच्चों दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी द गिविंग ट्री ट्री हमें कितना कुछ देता है नाउ दिस स्टोरी द गिविंग ट्री इज रिटर्न बाय शेल सिल्वर वेस्टर्न ओके नाउ स्टार्ट सम डिक्टेशन न्यू वर्ड्स स्विंग स्विंग मीन्स झूला झूलना डेलीशियस वेरी टेस्टी प्लक मीन्स तोड़ना ओके फॉल फ्रॉम द ट्री ट्रिप ट्रिप मींस ऐसे अ वेकेशन पे जब हम जाते हैं टूर के लिए तो ट्रिप मींस इज अ टूर सेल सेल मींस होता है सेलिंग ऑन वाटर पानी पर जैसे बोट शिप वगैरह तैरते हैं दैट इज स्टंप मींस होता है जो ट्री के कटने के बाद जो नीचे सोइल रूट्स वगैरह रह जाती हैं और वो बहुत मॉइस्चर होती है रिकॉग्नाइज मींस होता है बेटा चानना दैट इज आइडेंटिफिकेशन आई होप बेटा यू विल यूलॉय दिस स्टोरी लॉट नाउ लेट्स स्टार्ट सम न्यू वर्ड्स शेयर शेयर मीन्स दूसरों के साथ कुछ भी चीज शेयर करना इंग्लिश मीनिंग लेट अदर्स यूज वॉट यू हैव नरेटर मीन्स स्टोरी टेलर्स हु टेल्स द स्टोरी स्विंग स्विंग मीन्स इधर उधर झूलना इधर उधर जाना दैट मीन्स टू मूव टू एंड फ्लो डिलीशियस वेरी टेस्टी प्लक प्लक मीन्स तोड़ना दैट मीन्स ब्रेक ऑफ स्टम्प स्टम्प मीन्स बेस ऑफ द ट्री जहां से एक ट्री स्टार्ट होता है रिकॉग्नाइज मीन्स आइडेंटिफाई पहचानना क्वाइट मींस साइलेंस विदाउट एनी नॉइस सेल टू ट्रेवल थ्रू वॉटर लाइक बोट ट्रिप ट्रिप मीन्स जर्नी नाउ लेट स्टार्ट सम क्वेश्चन आंसर हाउ डिड द बॉय इंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री जो बॉय था वो ट्रीज की कंपनी कैसे इंजॉय करता था आंसर

द ट्री गेव इट्स अपल टू द बॉय एंड द बॉय अर्न मनी बाय सेलिंग डाम इन द मार्केट यहां बेटो जो मार्केट है वो इन uh, विजिबल हो गया है तो यहां पर आप मार्केट लिख लीजिएगाक्स्ट वॉट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ट्री की ब्रांचेस से बॉय ने क्या बनाया a beautiful house, hai na? for the wife and their children. the boy made a house with the branches of the tree. what next? what did the boy make with the trunk of the tree? tree trunks, with the boy made a boat with the trunk of the tree. boat हाउ वॉज द स्टाम्प ऑफ द ट्री यूजफुल ट्री का जो स्टाम्प होता है वो जो बेस होता है वो यूजफुल कैसे होता है टू सिट एंड रेस्ट ऑन द स्टम्प ऑफ द ट्री हेल्प द ओल्ड मैन टू सिट एंड रेस्ट ऑन नंबर नेक्स्ट वाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री इस प्ले को गिविंग ट्री टाइटल क्यों दिया गया है क्योंकि ट्री हमें हमेशा कुछ ना कुछ देता है द प्ले इज गी कॉल्ड द गिविन ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गिवस द मैन एवरी थिंग ही नीड विदाउट टास्किंग और रिटर्न में वो कुछ नहीं लेता है, है ना तो देन विदाउट टास्किंग एनीथिंग इन रिटर्न नाउ ले स्टार्ट द एक्सरसाइज मेक न्यू वर्स टू कंप्लीट द सेंटेंस इज मीन्स वी हैव टू एड एडवर्क In the bracket words. First, the children love to sing loudly. Number two, read your lesson silently. Number three, throw the bowl slowly. Number four, the tree gave its fruit to the boy happily. Next, do your work neatly. Okay? Now, next exercise is fill in the blanks with correct word. Two options are here. Then we have to put a right option in every fill-ups. First, my mother went to the market and brought a kilogram of apple, a dozen bananas, a dozen oranges. I love oranges, so I ate an orange. My brother wanted a banana, and my sister asked for an apple. A tree has a trunk. I hope you understand well about the exercise. Now, next branches. A branch. नंबर ऑफ लीव एंडसरसाइज वाई शुड वी नॉट कट ट्रीज बेटा हमें ट्रीज क्यूँ नहीं काटनी चाहिए वी शुड नॉट कट ट्रीज एज दी गिवर्स ऑक्सीजन टू ब्रीथ क्यूंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ब्रीथिंग में वी नीड ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है फ्रॉम द ट्रीज नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ द प्ले ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज लेफ्ट फाइंड आउट इट विल ग्रो इन टू अ ट्री अगेन अब देखो जब लास्ट में ट्री के पास स्टम्प बचा था तो उसने उसका क्या किया न्यू ट्री कैसे वो कन्वर्ट करेगा नो आई डोंट थिंक द स्टम्प विल नेवर ग्रो नहीं मैं स्टम्प के बारे में सोचता हूँ कि ये ट्री में कभी ग्रो करेगा ओके okay? दोबारा ये ग्रो कर पाएगा मुझे ऐसा नहीं लगता नाउ लेस्ट राइट एक्सरसाइज रिमेंबर टू पुट अ कॉमा आफ्टर इट ऑन द एग्जाम्पल फाइनली बेटा सम वर्ड्स आर गिवन इन द ब्रैकेट फर्स्ट दैन आफ्टर दैट एंड फाइनली तो देन वी हैव टू पुट दीज वर्ड्स इन देंटेंसेज

उसके बाद ट्रंक दिया था बोट बनाने के लिए एंड फाइनली इट इज और फाइनली उसने कहा था कि तुम मेरे स्टंप पे बैठ जाओ और रेस्ट करो ओके नाउ ट्री बेटा क्या क्या चीजें देता है क्वेश्चन टू वर्क इन अ ग्रुप एंड डिसाइड द थिंग दैट यू कैन डू टू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स तो यू हैव टू राइट द फाइव थिंग्स वट विल यू डू फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स योर फर्स्ट सेंटेंस इज आई विल गिव दैम वाटर टू ड्रिंक मैं उनको पानी दूंगा पीने के लिए आई विल गिव दैम मेडिसिन ऑन टाइम मैं उनको ऑन टाइम मेडिसिन दूंगा। आई विल सिट विद दैम वेन एवर आई गेट टाइम जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उनके साथ बैठूंगा और बात करूंगा। आई विल गो ऑन वॉक विद दैम मैं उनके साथ घूमने जाऊंगा। आई विल डू एवरी थिंग दैट मेक्स दैम हैप्पी मैं उनके साथ सब कुछ करूंगा, हर काम करूंगा जिससे वो खुश हो जाएंगे Okay, beta. Now, next exercise is choose the right words. A story is given on the Marigold book in this chapter. So, then we have to find out just exercise from the poem. Chinta and Chittu is a tamarind tree. Okay, tamarind is the name of a tree. This famous tree is in Gwalior. ओके, ग्वालियर में ये फेमस ट्री है तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर नॉट डांसर तामरन ट्रीज ग्रू ओवर तानसेन टॉम तामरन ट्री जो था वो तानसेन के टॉम मीन्स टॉम पे था ना कि हाउस में ईट द लीव्स ऑफ द तामरन ट्री यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन अकबर क्योंकि थे ही नहीं म्यूजिशियन तानसेन थे ओके नाउ i hope you understand well about the whole chapters with question answer and worksheet okay now we will meet again with next new interesting video on the story ke kelly thank you take care everyone watch my video